हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अतुल सिंह। शुरू करते हैं आज का भूगोल पार्ट 7। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो दोस्तों, वो होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। जी हाँ दोस्तों, जो चंदन के पेड़ हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। और दोस्तों, ये जो चंदन के पेड़ होते हैं, ये भारत के कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। और सबसे अधिक किस स्टेट में? तो वो हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों, वो होता है आर्किड। जी हाँ दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जनरली आर्किड पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा आर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक वनों उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है, या खतरनाक प्रभाव हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, वन संपत्ति की क्षति ये भी हो सकता है, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति ये भी हो सकता है, मृदा अपरदन भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जंगली जानवरों के निवास स्थानों का नाश, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारा होगा सी, यानी कि जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। वैसे तो अगर हम वन का जो है कि काटते हैं, वनोन्मूलन करते हैं, तो सबसे अधिक जो खतरनाक प्रभाव होगा जंगली जानवरों के निवास स्थलों पे होगा। बाकी तो होंगे ही, वन संपत्ति की क्षति होगी, पादपों की भी क्षति होगी, मृदा अपरदन भी होगा, लेकिन जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कि जंगली जानवर कहाँ रहेंगे, तो उनके निवास स्थलों का नाश मेन है। तो हम राइट आंसर लेके चलेंगे ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों, चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। और इसे चलाया किसने था? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुड़ा। यानी कि चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुड़ा द्वारा। और किससे संबंधित? तो ये संबंधित है वन संरक्षण से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य फसलों में ये शामिल हैं, यानी खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, वो हैं खाद्यान्न, दालें तथा खाद्य तिलहन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, खाद्य फसलों में मुख्य रूप से दालें, खाद्य तिलहन, मक्का, गेहूं, चावल, आलू, चुकंदर, जौ, ये तमाम जो है कि शामिल हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन। नेक्स्ट, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, झूम कृषि इन तीनों जगहों पे अभी भी प्रचलन में है। जी हाँ दोस्तों, मेन रूप से झूम कृषि को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर पेड़ों और वनस्पतियों को काट करके उस स्थान को साफ किया जाता है, और बची हुई जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको जला करके उसके स्थान पर कृषि की जाती है। और इसी कृषि को हम स्थानांतरी यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम कृषि कहते हैं। और ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों के द्वारा की जाती है। तो झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो हो जाएगा मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो दोस्तों, में इससे जो ईख है वो रोपण फसल नहीं है। दोस्तों, रोपण फसल के अंतर्गत हम चाय को ले सकते हैं, कहवा हो गया, रबड़ हो गया, ये सारी जो फसलें हैं ये रोपण फसल के अंतर्गत आती हैं। हालांकि दोस्तों, जो फसल के उगाने का तरीका है उसके आधार के जो वर्गीकरण किया गया, तो कई विद्वानों ने गन्ने को भी एक रोपण फसल माना है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये सही नहीं है। तो कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो हो जाएगा ईख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है?
तो दोस्तों ये की जाती है बेसिकली पहाड़ों के ढलान पर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने की, तो उसके लिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पहाड़ों के ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए ही सीढ़ीदार कृषि की जाती है, जिसे हम सोपानी कृषि कहते हैं। तो सोपान कृषि कहाँ की जाती है, तो हो जाएगा पहाड़ों के ढलान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो दोस्तों वो फसल है चावल। जी हाँ, दिए गए फसलों में जो चावल है सर्वाधिक उपजने वाली फसल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो दोस्तों इसमें जायद फसल है तरबूज। जी हाँ दोस्तों, जायद की जो फसल है वो मार्च में बोया जाता है और जून में काटा जाता है। दोस्तों इससे क्वेश्चन ऐसे आता है कि जायद की फसल कब बोई जाती है और कब काटी, या फिर कब काटी जाती है, इसकी कटाई कब होती है। तो जो जायद की फसल है दोस्तों, इसकी जो बुआई होती है वो मार्च में होती है और जून में ये काट लिया जाता है। इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि जो है इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा तरबूज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वो फसल इसमें जौ और सरसों। जी हाँ दोस्तों, जौ और सरसों का जो उत्पादन है वो रबी के फसल के अंतर्गत किया जाता है। बाकी जो है बाजरा और चावल, मक्का, ज्वार, ज्वार चावल, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा कि जो कि खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता, तो हो जाएगा जौ और सरसों। होता किस में है, तो ये होता है रबी की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो राज्य है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, सरसों का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। इसके बाद हरियाणा का स्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश। तो सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला तो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए। तो दोस्तों वो हो जाएगा खनन के लिए। जी हाँ दोस्तों, पठार में सामान्यतः जो होते हैं खनिजों के भंडार होते हैं, और खनिजों की पर्याप्तता तथा खनन के लिए ही स्थलाकृति के आदर्श होने के कारण पठारों का खनन जो है, पठारों पर जो है खनन का कार्य हमेशा होता रहता है। तो पठार की स्थलाकृति किसके लिए आदर्श है, तो वो हो जाएगा खनन के लिए। नेक्स्ट, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है। तो दोस्तों वो होता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। इसका मतलब ये है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का जो उत्पादन करने वाले भारत के तीन प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएगा केरल होगा, तमिलनाडु होगा और कर्नाटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है कितना। तो दोस्तों ये है लगभग 70%। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का 64.32% क्षेत्र है, जबकि कुल फसल उत्पादन में लगभग इसका 70% का योगदान है। तो हमारा क्वेश्चन है कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन, तो वो हो जाएगा 70%। नेक्स्ट, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वो राज्य आता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जो वर्ष 2015-16 के आंकड़े आए थे उसके अनुसार भारत में गेहूं का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद पंजाब में। तो भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, या सबसे अधिक जूट उत्पादन किस प्रदेश में होता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय जूट के उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है, यानी कि वो देश कौन सा है जो
अधिक जूट उत्पादन करता है, जिससे ये है कि वो भारत से अधिक जूट उत्पादन कर सकता है कभी, तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, भारत में जूट सबसे अधिक तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंद्वी तो वो दोस्तों माना जाता है बांग्लादेश को। क्यों? क्योंकि FAO एक संस्था जो कि ये आंकड़े जारी करती है, उसके अनुसार विश्व का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो भारत है, और उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो बांग्लादेश का आता है। यानी कि जो भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है तो वो कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। जी हाँ, 1998 से लेकर के अभी तक, अगर कुछ एकाध ऐसे एक्सेप्शनल छोड़ दिए जाए, तो भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान किसका है, यानी भारत में कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर पहला। और भारत में कौन सा स्टेट सबसे अधिक जो है कि दुग्ध उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी लेकर के चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। दोस्तों NTPC रेलवे के हिसाब से ये मेरा पूरा सेशन चल रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसा क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि हम उसे क्लियर कराएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे बता सकते हैं, हम उसे अपने अगले वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।